इतने सारे वीडियो को देखने के बाद जरूर बड़े आ जाओगे, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो मैंने बना लिया अपना पिलो गेमर कैसल। सो पिलो गेमर कैसल इन 3, 2, 1। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमारा कैसल अभी पूरा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तब तक ऐसा करता हूँ, तुम लोग इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तो चलो यार अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दो पिलर दिखेंगे, और पहले तुम लोग को चलो इलाइट्रा से व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा कैसल इलाइट्रा से कुछ ऐसा दिखता है, मतलब ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे तुम लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सामने से कुछ ऐसा दिखता है। अरे 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 अभी मैं लड़ जाऊँगा, यहाँ पे एक ग्रेट सिलेंडिंग बनते हैं। तो चलो अब यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, फिर तुम लोग को साइड अंदर सब जगह दिखाऊंगा। यहाँ पे तुम लोग लंबी लंबी सीढ़ियाँ देख सकते हो, ऊंची ऊंची सॉरी। यहाँ पे हम काफ़ी उचक उचक के चढ़ेंगे। यहाँ पे तो हमें 3 लैडर दिखेंगे, यहाँ पे हम लोग आराम से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे तुम लोग को कोबल स्टोन के ऊपर रूफ दिखेंगे, यहाँ पे 2 पिलर दिखेंगे, अभी हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। यहाँ पे तुम लोग को 2 सेम पिलर दिखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे 1 पिलर के ऊपर तो यहाँ पे तुम्हें फिर से लैडर दिखेगी, या मॉब स्पॉन ना हो तो यहाँ पे टॉर्चेस दिखेंगी। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ अब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे 2 ब्रूइंग स्टैंड, और यहाँ पे एक चेस्ट है। हम लोग ब्रूइंग स्टैंड से जो भी पोशंस बनाते हैं आगे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, तो हम इससे कर सकते हैं, इससे पोशंस बना सकते हैं ऊपर। और अब हम यहाँ पे आते हैं, ट्रैप डोर बंद करते हैं। एंड गाइज इलाइट्रा मेरे पास है, तो ये ना समझना कि मैं एंडर ड्रैगन को मार आया हूँ। गाइज अभी एंडर ड्रैगन को मारना बचा हुआ है। अगर तुम लोग स्ट्रीम्स देखते हो मेरी, तो तुम लोग पता होगा कि हम लोग सिर्फ इलाइट्रा लेने गए थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग इलाइट्रा ला पाए थे। याली चेस्ट अभी खाली है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाद में क्या रखना है, हमें रिपेयर एंड डिसइंचेंट वाला रखना है या फिर क्या रखना है। फिलहाल इसको यहाँ पे बंद करते हैं। चलो तुम्हें नीचे की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी थोड़ी हेल्थ कम हो गई है, बढ़ जाएगी अपने आप। और यहाँ पे अगर हम लोग अब नीचे जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजिली हम आराम से इस लैडर से उतर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे उचक उचक के बड़ा मज़ा आता है चीड़ियाँ उतरने में। उसके बाद गाइज यहाँ पे है, पहले तुम्हें टावर दिखाता हूँ। टावर के अंदर हम लोग आएंगे, यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे पानी की लिफ्ट होगी, हम इस पानी वाली लिफ्ट से ऊपर चढ़ेंगे। ये टावर मेनली मैंने स्पाई करने, स्पाई ग्लास से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अपने पूरे वहाँ अंडरग्राउंड बेस को, अपने कैसल को, अपने आसपास की नेबरहुड जगहों को। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये वाला पिलर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। एंड अगर हम अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, फिर यहाँ पे आएगा गेट। यहाँ पे गेट मैंने खोल दिया है गाइस। एंड चलो दूसरे वाले पिलर भी बस सेम टू सेम ऐसा ही है, वो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे भी सेम टू सेम देख सकते हो तुम लोग, ऐसे ही अंदर एक वाटर वाली लिफ्ट है। अगर अभी हम लोग फिर से इसको एक्सप्लोर करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पे अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ग्लास के काफ़ी ज़्यादा ओपी लगता है। जो यहाँ पे हम प्रेशर प्लेट से आयरन का डोर खोल के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे मैंने विलेजर स्पॉन करा रखे हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे विलेजर्स ला रखे हैं। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो तुम लोग, नेदर क्वार्ट्स की सीढ़ियों से हम लोग ने यहाँ पे वूल लगा के हम लोग ने यहाँ पे बेड्स लगा दिए हैं इन विलेजर्स के लिए। अभी ये लोग सो भी रहे थे जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बाहर चलते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मैं इनको जॉब्स भी दूंगा, यहाँ पे मुझे फार्मर वार्मर भी लाने, अभी तो जस्ट मैं इनको जी पकड़ के ले आया, यहाँ पे कुछ को मार के भी लाना पड़ा। उसके बाद गाइस ये कंपार्टमेंट है मेरा, यानी कि इस कैसल की किंग का बढ़ाया भी मैंने और किंग भी मैं ही हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग की चटाई टाइप की कह सकते हो, क्योंकि पूरा बेड पूरी ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया। उसके बाद कैसे यहाँ पे फेंस डोर को हम बंद करते हैं। यहाँ पे अंदर है हमारा स्मेल्टिंग रूम, जबकि जहाँ पे काफ़ी सारी फर्नेस लगी हुई है, और पीछे की तरफ में टॉर्चेज लगे हैं, एंड ऊपर की तरफ में काफ़ी ज़्यादा हाइट गेंड है। तो यहाँ पे अगर हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, यहाँ पे बेड है। अभी हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्सचरिंग करेंगे और डिज़ाइनिंग भी करेंगे, और बाकी यहाँ पे टॉर्चेज लगी हैं, यहाँ पे हम जा सकते हैं। अच्छा चलो विलेजर वाले रूम में चलते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो कितने आराम से यहाँ पे लैंटर्न्स रखी हुई हैं ऊपर, और यहाँ पे विलेजर्स अपने आराम कर रहे हैं। ऊपर की तरफ में तुम लोग देख ही सकते हो यहाँ पे लैंटर्न्स रखी हुई हैं, अगर तुम लोग ने देखा हो तो, और अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे विलेजर या प्रेशर प्लेट पे खड़ा हुआ था तो मैं इसको हटा दिया। तो गाइस अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, तुम लोग को पीछे का पूरा सराउंडिंग एरिया दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने वाटर ट्रैप लगा रखा है ताकि जो ज़ॉम्बी हैं वो इसमें गिर जाएं और हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे की तरफ मैं पूरा तुम लोग को एक्सप्लोर कराता हूँ। यहाँ पे घास तोड़ दो, यहाँ पे अरे बाप रे, यहाँ पे तो गोलम भैया हैं, अरे इनसे पंगा नहीं लूँ तो ज़्यादा अच्छा। ओ भाई दो दो गोलम है, इन लोग को अपने लोग को टेम करूँ क्या? अरे भाई 3-3 गोलम है भाई, ये लोग रक्षा करेंगे, हमारे जो विलेजर्स हैं उनकी रक्षा करेंगे। यहाँ पे गाइस टावर का साइड व्यू कितना ओपी लग रहा है, इतना ऊंचा है कि मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा वाटर ट्रैप खत्म होता है, यहाँ पे टावर। चलो तुम लोग को इस वाले टावर के ऊपर भी घुमा देता हूँ। यहाँ पे हम वाटर लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाएंगे, और चलो 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 चलो, अरे ये अटक गए तो, अरे मर गए, अरे 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 ओ भाई बच गए, अरे अरे मर गए, ओ भाई, अरे भाई, ओ भाई मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता, मैं वाटर से भाई अच्छा हूँ मैं, वरना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ चली जाती, वरना मैं वाटर से गिर जाता। यहाँ पे भी गाइस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे चलो एक इलाइट्रा की फ्लाइट लेके
दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये हमारा इलाइट्रा पेडिस्टल वैसे बनेगा जहाँ तक। और यहाँ पे गाइस ओ भाई मजा आ गया, अपना कैसल साइड साइड से तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग, मैंने इसको एंटीसाइट का बनाया क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मतलब 50 से 60 स्टैक एंटीसाइट बचे थे। तो चलो यार आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग वाला वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब।